हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब में के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें बड़े राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। केरल को ईश्वर की भूमि भी कहा जाता है, केरल को नारियल का देश भी कहा जाता है। केरल जो है यह इसके पश्चिमी भाग में अरब सागर अवस्थित है। इसके पूर्वी भाग में जो है दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। इसके पूर्वी भाग में तमिलनाडु है और उत्तरी भाग में केरल है। केरल पहले कोई राज्य नहीं था, यहाँ पर 3 रियासतें थी। उन रियासतों को मिलाकर 1947 से 1949 के बीच एक राज्य का गठन किया गया। अब व्यक्तिगण आपको पता होगा कि केरल में सबसे पहले विदेशी जो थे पुर्तगाली पहुंचे थे, जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 में समुद्री मार्ग से पहुंचा था भारत की खोज में। और वहां का राजा जो था, जब यह मालाबार तट पर पहुंचा, जो केरल का समुद्री तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। इसमें 3 घाट प्रचलित हैं, आपको पता होगा। इसका नाम है पाल घाट, भोर घाट और एक तीसरा भी घाट है। पाल घाट, भोर घाट, एक तीसरा घाट है। केरल की सबसे ऊंची जो चोटी है वह अनायमुदी है, जहां कि मुख्य भाषा जो है राजकीय भाषा और आधिकारिक भाषा मलयाली है। तो भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से 21वें बड़े राज्य केरल के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केरल को लैंड ऑफ वैरायटीज ऑफ गेम कहा जाता है। यहाँ अलग अलग खेलों को खेला जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खेल जो है फुटबॉल है, जबकि यहाँ का पारंपरिक खेल जो है हमारे यहाँ का गिल्ली डंडा, जिसको हम लोग गिल्ली डंडा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बॉय एंड केन कहते हैं और मलयाली में कोट्टुम कुल्लम कहा जाता है। ये जो है यहाँ का ट्रेडिशनल गेम है। इसके अलावे यहाँ 6 अनट्रेडिशनल गेम खेले जाते हैं, जिसको हम लोग गोटी कहते हैं। पत्थर के 7 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम लोग लोकते हैं। उसी तरह का गेम जो है वहाँ पर खेला जाता है। इसके अलावा लुका छिपी का खेल जो है केरल का ट्रेडिशनल गेम है। तो आते हैं केरल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य का नाम है केरल। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, जब भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो रहा था। तो उस समय केरल को मलयाली भाषा के कारण, जो तमिलनाडु का वह भाग जहाँ पर मलयाली बोली जाती थी, उसको केरल कहा गया 1 नवंबर 1956। इसका क्षेत्रफल जो है 38,883 किलोमीटर है। 38,883 किलोमीटर स्क्वायर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यह 21वां स्थान रखता है। पोजीशन क्या है इसका? 21। भारत के कुल क्षेत्रफल में केरल का क्षेत्रफल 1.182% है। 1.182%। केरल की जो तट रेखा है यानी कोस्ट लाइन, या इसकी लंबाई जो है 590 किलोमीटर है। केरल में 15 बंदरगाह है, जिसमें कोची जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। बड़ा जो है एक है, जिसका नाम है कोची। मध्यम आकृति का बंदरगाह जो है 2 है, और छोटा जो है
वह 12 है। इस प्रकार केरल में कुल बंदरगाह जो है पोर्ट सी पोर्ट इन केरला वह 15 है। केरल का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 580 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर है। केरल में वन का जो प्रतिशत है 29.1% है। जो केरल के क्षेत्रफल के हिसाब से तकरीबन 11,300 किलोमीटर स्क्वायर आता है। इसका नामकरण जो है केरल किया गया 1 नवंबर 1956 को। इसको जो है लैंड ऑफ हाउस लैंड ऑफ गॉड भौगोलिक उपनाम है गॉड ऑन कंट्री। यानी भगवान का अपना घर, लैंड ऑफ कोकोनट, अक्षांशीय विस्तार पर जब हम ध्यान देते हैं तो केरल का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 17 मिनट 30 सेकेंड 8 डिग्री 17 मिनट 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 47 मिनट 40 सेकेंड है। 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से भी अवस्थित है। केरल का जब देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं तो केरल का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 7 मिनट 47 सेकेंड 74 डिग्री 7 मिनट 47 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 37 मिनट 12 सेकेंड 77 डिग्री 37 मिनट 12 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। यहाँ की प्रमुख नदियां जो है, मैंने 5 नदियों का नाम लिखा है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है भारत पपूसा, भारत पपूसा। दूसरा है कृष्णावती, तीसरी प्रमुख नदी है चालियार, चौथी प्रमुख नदी है अयरुद, और पांचवी प्रसिद्ध नदी का नाम है अच्छन कोविला और आधा चौन को विला। ये जो है केरल की प्रमुख नदियां हैं, भारत पपूसा, कृष्णावती, चालियार, अयरुद, अच्छन कोविला। ये प्रमुख नदियां हैं केरल की। केरल की सबसे लंबी नदी जो है भारत पपूसा है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। केरल की सबसे लंबी नदी का नाम है भारत पपूसा। प्रमुख पर्वत जो है
केरल के प्रमुख पर्वत हैं मीसा, पुलिमाला, पश्चिमी घाट, करीम कुलाम, माला, एक दो तीन मुक्तिमाला, मुक्तिमाला, देवी माला, केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायमुदी। जिसकी ऊंचाई जो है अनायमुदी की ऊंचाई 2695 मीटर है और फीट में यह 8242 फीट है। केरल की जनसंख्या जो है वह 3,34,06,041 है। जनसंख्या की दृष्टि से केरल भारत में 13वें स्थान का राज्य है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी जो है 2.78%। केरल का जनसंख्या घनत्व 2001 की जनगणना के समय जो है केरल सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है। यहाँ 93.91% लोग जो है साक्षर है। यहाँ का लिंगानुपात, भारत के अभी तक हमने जितने राज्यों का अध्ययन किया है उसमें केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 1,084 महिलाओं पर 1,000 पुरुष है। पुरुषों की संख्या के बनिस्पत जो है महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ये सभी डाटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दिए जा रहे हैं। ये सभी डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। केरल में 3 प्रमंडल है, एक का नाम है उत्तरी केरल, मध्य केरल और दक्षिणी केरल। केरल में जिलों की संख्या 14 है। यहाँ पर केरल में तालुका जो है 77 है। केरल में प्रखंडों की संख्या जो है वह 152 है। केरल में थानों की, पुलिस स्टेशन की संख्या जो है 455 है, जबकि पंचायतों की संख्या 941 है। यहाँ पर नगर निगम जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वह 6 है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। केरल में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 140 है। केरल विधानसभा जो है विधानमंडल एक सदनीय है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। यहाँ का विधानसभा यानी यहाँ विधायकों की कुल संख्या 140 है। लोकसभा के लिए केरल से 20 सदस्य चुने जाते हैं।
जबकि राज्यसभा के लिए 9 सदस्य केरल से चुने जाते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, और मुख्यमंत्री हैं केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। केरल के विधानसभा अध्यक्ष हैं पी श्री राम कृष्णा, पी श्री राम कृष्णा। केरल उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का, केरल के उच्च न्यायालय का नाम है केरल एवं लक्षद्वीप उच्च न्यायालय, क्योंकि लक्षद्वीप भी इसी उच्च न्यायालय से संबंधित है। केरल एवं लक्षद्वीप उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है कोचीन का नया नाम कोची है। केरल में कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 है। केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 38 है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है एंटनी डोमिनिक, केरल की विधायी राजधानी यानी इसकी विधानसभा जो है वह तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में। केरल की प्रशासनिक राजधानी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वह भी तिरुवनंतपुरम है। केरल की न्यायिक राजधानी जो है वह है कोच्चि। केरल की आधिकारिक भाषा जो है मलयालम है, मलयालम। 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, म ल या ल म, म ल या ल म, ये 5 अक्षरों की जो है 5 अक्षरों से बना हुआ है मलयालम। तो 5 अक्षरों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, राष्ट्रीय भाषा भी मलयाली है। राजकीय पशु जो है भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी जो है ग्रेट हॉर्नबिल, जिसको हमारे यहाँ धनेश कहा जाता है, हमारे यहाँ जिसको अमलतास कहा जाता है मलयाली में, उसको जो है कहा जाता है कानी कोन्ना। और अपने यहाँ इसको कहा जाता है अमलतास। ये राजकीय फूल है केरल का अमलतास। राजकीय फल केरल का राजकीय फल कटहल है। केरल का राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल का राजकीय नृत्य जो है मोहनी अट्टनम है, मोहनी अट्टनम।
और राजकीय मछली का नाम है ग्रीन ग्रीन क्रोमाइट। अपने यहाँ एक्वेरियम में इसको पाला जाता है ग्रीन क्रोमाइट को, जिसको हम लोग सतरंगिया मछली कहते हैं, ग्रीन क्रोमाइट। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वह 1811.55 किलोमीटर है, 1811.55 किलोमीटर। इसका भौगोलिक उपनाम है लैंड ऑफ गॉड्स ऑन कंट्री। ऑन कंट्री भगवान का अपना घर। दूसरा है लैंड ऑफ कोकोनट। और तीसरा है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस मसालों का, स्पाइस गार्डन मसालों का बागीचा, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। यहाँ रेल मार्ग की जो लंबाई है वह तकरीबन 1050 किलोमीटर है, जो दक्षिणी रेलवे का हिस्सा है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। कंप्यूटर महोदय, केरल के राजकीय चिन्ह को यहाँ प्रस्तुत किया जाए। ये रहा स्टूडेंट केरल का राजकीय चिन्ह। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। कंप्यूटर महोदय, केरल का मानचित्र जो है यहाँ प्रस्तुत किया जाए। केरल के मानचित्र को यहाँ प्रस्तुत किया जाए। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और केरल के मानचित्र को देखें। स्टूडेंट मैंने अब तक 21 राज्यों के बारे में और भारत के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में दिया है। मैंने किसी प्रकार का ट्रिक अभी तक आपको नहीं बतलाया और ना ही ट्रिक बतलाने का मैं प्रयास करूंगा। स्टूडेंट ये सब चीज़ें जो है ट्रिक से नहीं सीखी जाती है। आप अभी कोरोना के काल में अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना से बचने का यह सबसे उचित उपाय है कि हम घर में रहें। और आप अगले वीडियो यानी भारत के 22वें बड़े राज्य के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।